नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं आज वापस एक नए टॉपिक के साथ आपकी सेवा में। बरगद का पेड़ आज का हमारा टॉपिक है। बरगद के पेड़ के लाभ हमारे आम जीवन में। बरगद का पेड़ यूं तो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। बरगद का पेड़ अपनी टहनियों के कारण जाना जाता है। बरगद की अपनी टहनियों से बहुत सारी लटकती जड़ों के कारण ये जल्दी ही बहुत बड़े और विशाल काय हो जाता है। इसका तना सीधा और कठोर होता है। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल होता है। बरगद के पेड़ के पत्ते और जड़ का उपयोग विभिन्न तरह की बीमारियों में किया जाता है, जैसे डायबिटीज, पिंपल, सर्दी जुकाम, स्किन के रोग, चोट लगने पर, फटी एड़ी, दस्त में, कमर दर्द में, स्तन का ढीलापन, यौन शक्ति बढ़ाने में आदि रोगों में बरगद का पेड़ बहुत लाभकारी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं हम बरगद के पेड़ के और उसके फलों पत्तियों के लाभ। बरगद बहुत ही गुणकारी पेड़ है। बरगद का उपयोग बहुत सी बीमारियों में किया जाता है। बरगद के पेड़ का आयुर्वेदिक उपचार में प्रयोग किया जाता है। बरगद के पेड़ की पंक्तियां, तना आदि को तोड़ने पर इससे दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। बरगद के पेड़ का उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने के लिए। दोस्तों, बरगद के पेड़ के पके हुए फल को छाया में सुखा लें और उसका चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर पीस लें और इसे सुबह शाम खाली पेट रात और दिन एक एक कप दूध के साथ सोने से पहले लें। कुछ दिनों में आपकी यौन शक्ति खुद ब खुद बहुत ही बढ़ जाएगी। दोस्तों, बरगद के फायदे, सभी प्रकार के दस्त, हरा पीला, हर तरह के दस्त में काम आता है। दोस्तों, लूज मोशन या दस्त में सभी उम्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर दस्त की समस्या बच्चों में होती है तो और भी परेशानी हो जाती है, लेकिन आप बरगद के पेड़ के द्वारा इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बच्चों को नाभि में बरगद का दूध की कुछ बूंदे लगाएं। बच्चों की नाभि में बरगद के पेड़ से निकली हुए दूध को लगाएं। बतासे में दूध की कुछ बूंद डालकर दिन में 2-3 बार खिलाने से शीघ्र ही लाभ मिलता है। कमर दर्द एक गंभीर समस्या है। दोस्तों, यह रोग खासकर बुजुर्गों में देखा जाता है। वैसे कमर दर्द की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। आप बरगद के पेड़ की मदद से कमर दर्द ठीक कर सकते हैं। बरगद का दूध अलसी के तेल में मिलाकर मालिश करने से लाभ मिलता है। बरगद का दूध कमर में दिन में 3 बार मालिश करने से कुछ ही दिनों में आपको लाभ मिलने लगता है। फटी एड़ियों में, जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं में एड़ियों को लेकर कितनी चिंता रहती है, फटी एड़ियां आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। फटी एड़ी के कारण अपने पैर को छुपाना पड़ता है, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आप बरगद के दूध का इस्तेमाल करके अपनी फटी एड़ियां ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, बस करना क्या होता है आपको कि जो आपकी फटी हुई एड़ियां होती हैं दोस्तों, उसमें बरगद का दूध लगा करके हल्के हाथों से मालिश करनी होती है। और ये कब करना होता है, एड़ियों को धोकर। पहले उस पर धूल लगी हो तो उसको धो दीजिए, फिर एड़ियों पर दूध लगा दीजिए बरगद का, ये आपके लिए लाभकारी होता है। बरगद के पेड़ के पत्तियों या टहनियों या जड़ों से चोट लगने पर लाभ। अगर आपको कहीं चोट लग गई है दोस्त, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। चोट लगना एक आम बात है। अगर आपके घर में किसी को चोट लग जाती है तो बरगद आपके लिए लाभदायक साबित होगा। बरगद का दूध बहुत से रोगों को ठीक करता है। सूजन, चोट या मूंछ, सभी में बरगद का दूध लाभकारी होता है। दिन में 3 बार आपको उसके दूध से मालिश करनी होती है। दोस्तों, इससे आपका दर्द गायब हो जाता है। बरगद के पेड़ के फायदे सर्दी और जुकाम में। बरगद एक अच्छा रोग प्रतिरोधक विकल्प है।
बरगद के पत्तों को सुखाकर महीन पीस लें और लगभग आधा लीटर पानी में एक चम्मच पत्ते का चूर्ण मिलाकर उबाल लें। जब एक चौथाई पानी बच जाए तब छान लें और उसमें मिश्री मिला लें। अब इसे पिए, आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा दोस्तों। बरगद डायरिया से भी निजात दिलाता है और आपको बचाता भी है। बरगद के पत्ते से पेचिश, गैस, डायरिया और पेट में जलन में लाभ पहुंचता है। इसके पत्ते और हरे धनिया के पत्तों के साथ गुड़ को मिलाकर चबाने से डायरिया में लाभ होता है। बरगद के फायदे बढ़ती उम्र के लिए। एंटीऑक्सीडेंट के गुण बरगद के पेड़ की जड़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसके लिए आप ताजी जड़ों के रसों को झुर्रियों और अपने स्किन पर लगा सकते हैं, जिससे आपकी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगे, आप बुढ़ापे में भी यंग दिखेंगे, आपकी स्किन जवां दिखेगी। धन्यवाद।